हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा है, उसका सॉल्यूशन जो आप लोगों का अक्टूबर में एग्जाम होने वाला है। जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का इस बार एग्जाम देंगे, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट इस बार एग्जाम देंगे, उन्हीं के लिए ये वीडियो लेक्चर है, क्योंकि ये पार्ट बी डिफ्रेंशिएशन का चल रहा है। पार्ट ए में हम लोगों ने कुल मिला के 20 क्वेश्चन पे डिस्कस किया था, एग्जाम के व्यू से जो इम्पोर्टेंट था ऑब्जेक्टिव। अब हम विचार कर रहे हैं पार्ट बी में क्वेश्चन 1 से लेके 11 तक, इसमें 15 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएशन का, और इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसलिए अच्छा से इसको समझिएगा कैसे बनाया जाता है, बस। थैंक यू। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले जितना भी क्वेश्चन है उसमें यही लैंग्वेज लिखा होगा, इसलिए पहला क्वेश्चन में हमने लैंग्वेज लिख दिया, भाषा जिसको कर दिया। डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ sec x विथ रिस्पेक्ट टू tan x। हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में ये पढ़ा था कि sec x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट निकाला जाए, लेकिन यहाँ क्या किया, x के जगह पर tan x दे दिया, यानी sec x का डिफरेंशिएशन tan x के रिस्पेक्ट निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट एक बहुत अच्छा लॉजिक बता रहा हूं। sec x के डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू tan x, विद रिस्पेक्ट टू x से पहले जो हो ना उसका डिफरेंशिएशन नोमिनेटर में निकालना, और विद रिस्पेक्ट टू के बाद जो होगा उसका डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर में निकाल के लिख देना। मार्कर भी नहीं चल रहा, एक मिनट। क्या बताया स्टूडेंट्स, जिसका डिफरेंशिएशन कह रहा है निकाल ले, उसको उसका डिफरेंशिएशन ऊपर में नोमिनेटर में निकाल देना, और जिसके रिस्पेक्ट कर रहा है, जो इस पार है इसके रिस्पेक्ट बोल रहा है, उसका डिफरेंशिएशन नीचे में निकाल के लिखना, बस हो गया, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक है, थोड़ा मार्कर भर लो। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, तो इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में लिखेंगे, लाइन ऐसे दे देंगे। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec x इनटू tan x, इस tan x का डिफरेंशिएशन नीचे में लिखना है, sec स्क्वायर x, एक sec एक कट जाएगा, क्या हो जाएगा, tan x बटे sec x। ऑप्शन में ढूंढिए, ये है ऑप्शन में, अगर यह है तो आपका आंसर, अगर ऑप्शन में नहीं है तो कुछ चेंजिंग होगा, ये आपका आंसर, नहीं तो चेंजिंग क्या होगा, tan को लिख सकते हैं sin x बटे cos x, पहले से नीचे में है sec x, ये कट जाएगा क्योंकि दूसरे का अपोजिट होता है, आंसर आपका sin x, ये ज्यादा गलत आंसर देता है, समझ गए। चलिए इसमें sec इनवर्स का डिफरेंशिएशन tan इनवर्स के रिस्पेक्ट, हमने क्या बतलाया, यहाँ पे एक लाइन खींची, इसमें बना, यहाँ पे एक लाइन खींच दिए, थोड़ा यहाँ बनाइए, एक लाइन खींच दिए, ये नोमिनेटर ये डिनोमिनेटर। sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाय x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, इन डिनोमिनेटर में tan इनवर्स का इसका होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, थोड़ा सजा दीजिएगा कि ये ऊपर चल जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर बाय नीचे वाला x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1, यही आपका आंसर, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 3 देखिए, sin इनवर्स का sin के रिस्पेक्ट फिर लाइन देंगे, sin इनवर्स का पहले ऊपर में लिखेंगे तो 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर, और sin का यहाँ पर होता है cos x, ये हो जाएगा कंप्लीटली 1 बाय cos x रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। फोर्थ देखिए, sin का डिफरेंशिएशन cos के रिस्पेक्ट एक लाइन देंगे बीच में, और ऊपर में किसका डिफरेंशिएशन, इस sin का, नीचे में किसका, इस cos का, तो sin का डिफरेंशिएशन cos x, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, cos बटे sin माइनस cot, कितना आसान है देखिए, ऑब्जेक्टिव यू नहीं उड़ा दोगे आप, इसका डिफरेंशिएशन इसके रिस्पेक्ट, तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या लिखेंगे, ऊपर में, और नीचे में इसका, क्या हो गया, चलता ही नहीं, तो इसको, हाँ एक लाइन दे दीजिए यहाँ पर, ये रूट में है ना, तो रूट में क्या होता है, 1 बाय, ये हो जाएगा 1 बाय, इसी इसके ऊपर ही लिखना है, नीचे नहीं,
स्क्वाड का हो जाएगा 1 बाय 2 रूट cot x, फिर ऊपर में यहां मल्टीप्लाई, फिर रूट के अंदर वाले का क्या होता है cosec स्क्वायर माइनस माइनस क्या लेते हो cosec स्क्वायर x पूरे। अब फिर e x का e पे पावर x नहीं होता, तो कंप्लीट आंसर माइनस cosec स्क्वायर बाय 2 into e पे पावर x into रूट अंदर cot x, ये आपका कंप्लीट आंसर इसका। ये वाला बहुत आसान है, इसका देखिए tan का sin रिस्पेक्ट लाइन दीजिए, tan का sec स्क्वायर, sin का नीचे में cos x, चेंज करना है तो करो नहीं तो छोड़ो अपना कर सकते हो। तो इस फर्स्ट को ऊपर ले जाएगा क्या जाएगा sec, और sec स्क्वायर पहले से हो जाएगा यहां पे sec qx, cos का x q के रिस्पेक्ट cos का ऊपर लिखेंगे sin x, और नीचे में लिखेंगे x q का हो जाएगा 3x स्क्वायर। 8 9 10 11 तक अब इसके लिए थोड़ा स्टूडेंट्स चेंजिंग करना होगा, मिटाओ इधर देखो 8 नंबर में क्या है, x बराबर इतना y बराबर इतना, हमें कहा था dy / dx निकालना, एकदम ट्रिक 8 नंबर है, क्या हो गया सब मार्कर में चलता ही नहीं है। एक नंबर हमें कहा था dy / dx निकालना है, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा ना एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा, दो लाइन में ऑब्जेक्टिव बनता है, कोई प्रोसेस नहीं ट्रिक, कोई प्रोसेस नहीं एकदम ट्रिक। एक्स का वैल्यू देखो क्या दिया है ये, और वाई का वैल्यू दिया है ये, हमें निकालने के लिए बोल रहा है डी वाई बटे डी एक्स, वाई ऊपर एक्स नीचे लाइन खींच दो ऐसे, वाई नीचे ऊपर है ना तो वाई का डिफ्रेंसिएशन निकालो ऊपर में, x देखो नीचे है ना तो x का वैल्यू ये है, इसका डिफरेंशिएशन निकालो नीचे में, मतलब y तो y का डिफरेंशिएशन, y क्या है b sin x, तो b तो कांस्टेंट b ही रहेगा और sin का होता है cos x। अब नीचे में x का डिफरेंशिएशन लिखना होगा, देख लीजिए x का क्या है a cos x, यहां तो a आ जाएगा, cos का उधर minus sin x, यहां minus sin x लिखिए, minus b बटा a cos बटे sin यानी cot, हो गया आंसर। 9 देखो इसमें भी कह रहा है dy / dx निकालो, तो dy / dx बराबर ऐसे लाइन खींचो, ऐसा क्वेश्चन आए तो यही करना है, y ऊपर है तो y का देखिए वैल्यू ये है, y का डिफरेंशिएशन ऊपर करना है यानी b e पे पावर - t का, ठीक है इसका डिफरेंशिएशन स्टूडेंट निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारा b into e पे पावर माइनस t, माइनस t का कोफिशिएंट क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे। उसके बाद x का डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा a e पे पावर t, ये हो जाएगा माइनस b बटे a e पे पावर माइनस t, और यह है e पे पावर t, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स e पे पावर माइनस t, और माइनस ये देखिए t ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस में, ये हो जाएगा माइनस b बटा a e पे पावर माइनस 2t, ठीक है कैसे कहीं गलती तो नहीं कर, एक मिनट ये x है ना, ये हो जाएगा dx बटे d थीटा, ये हो जाएगा आपका माइनस a sin थीटा, थीटा में है, उसके बाद dy बटे d थीटा, ये हो जाएगा b cos थीटा, तो हमारा हो जाएगा dy बटे d थीटा बने d थीटा बटे dx, इसका हो जाएगा हाँ सही तो करना, बिल्कुल सही करना, पीछे से उनका मात्रा बेहुदा
जो ट्रिक बताता हूं वही ट्रिक में बनाना है एग्जाम में हर हाल में। अब देखिए एक क्वेश्चन और दोबारा मन से ले लेता हूं, 10 नंबर, इसको कर देता हूं 11, इसको 11 कर दिया, ठीक है। तब इसको क्या करना होगा, इसको 12 कर दो, ठीक है। हम ले लेते हैं x बराबर a 1 माइनस cos थीटा और y बराबर b 1 प्लस cos थीटा, ठीक है सर। यहां हां अकाता फाइंड करने dy / dx, y का वैल्यू ये है ना, लाइन खींचे इसका डिफरेंशिएशन यहां लिखो तो b और 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और cos थीटा का माइनस sin थीटा, फिर नीचे sin x का a 1 का 0 माइनस cos का होता माइनस sin थीटा तो माइनस माइनस प्लस b / a ये माइनस माइनस sin / sin कट जाएगा माइनस b / ये आंसर आसान था ना, एकदम बिल्कुल आसान है। चलिए इधर मिटाओ, ये मिटाओ मैं इसको नोट कर लेते क्योंकि गाड़े बारे बताना है। तो आज डिफरेंशिएशन का ऑब्जेक्टिव मैं कंप्लीट कर रहा हूं यहां पे स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा और वो शायद मुझे लगता है एक ही वीडियो लेक्चर में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जितना यूनिट है तो कुल मिलाकर 5 यूनिट है, मुझे लगता है 7 वीडियो लेक्चर में आपका पूरा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अनोमिकल मेथड का तो बना ही दिया हूं इसीलिए अलग से बनाने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी कंप्लीट होने वाला है। 11 इसमें दिया है y is equal to x cube plus 4x square plus 5, हमें निकालना है डबल डिफरेंशिएशन कब x बराबर 0। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन पहले निकाल लीजिए dy / dx क्या हो जाएगा 3x square plus 4 यानी 8x और कांस्टेंट का 0। हमें देख रहे हैं डबल डिफरेंशिएशन का क्या निकालने के लिए, इसका एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे कि हो जाएगा d स्क्वायर y / dx स्क्वायर 3 दोनों 6x + 8। कहता है कि डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या होगा जब x बराबर 0 पुट करेंगे, लिखेंगे इफ x बराबर 0 इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन dx स्क्वायर बराबर जहां x से वहां 0 पुट करें 6 वाला 0 हो जाएगा बचेगा 8 यानी 8 का आंसर हो जाएगा 1। तो एग्जाम इतना करोगे करना ही होगा, बहुत आसान तो है डबल डिफरेंशिएशन, इफ टिप कुछ नहीं लिखना डायरेक्ट जब एग्जाम में ऐसा है। जैसे देखो 12 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बता 12 में क्या है डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देखना है लेकिन कॉपी में डिफरेंशिएट करके रफ बनाना है। डायरेक्ट ये है ना, हम लिखेंगे इसे डायरेक्ट dy / dx इसका डिफरेंशिएशन 12x स्क्वायर माइनस है 4x फिर इसका माइनस 2 फिर डबल डिफरेंशिएशन इसका करना है d स्क्वायर y / dx स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 12 गुना 24x माइनस 4। कहता है x का वैल्यू जब 2 हो तो इसका वैल्यू क्या होगा, इस x के जगह 2 पुट कर देंगे तो 24 गुना 48 और माइनस 4 बराबर 44 आंसर, बस हो गया दो लाइन का आंसर। इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने कुल मिला के 20 12 32 कुल मिलाकर 32 क्वेश्चन बनाए डिफरेंशिएशन में और डिफरेंशिएशन में कुल मिलाकर 20 नंबर का क्वेश्चन आता है, 10 नंबर सब्जेक्टिव और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव। तो 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव आपका यहीं से बनेगा स्टूडेंट, तो बड़ी खुशी की बात है कि जब आप 10 नंबर सही सही बना के आओगे। कहीं और भी आपको दिक्कत होता है तो मुझे कॉल कीजिए और पूछिए, हाँ ज़्यादा डीपली क्वेश्चन मत पूछिए, क्यों, क्योंकि ज़्यादा डीपली पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, इसीलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन बताया हूँ। आप क्वेश्चन बैंक में जाकर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन इससे ऐसा बाहर होगा इसी टाइप का क्वेश्चन क्वेश्चन बैंक में, तब बताइएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।